गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 टेंसेस पार्ट 1 पेज नंबर 66। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 2। इन दिस वर्कशीट 2 यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंस चार्ट। थ्रू दिस टेंस चार्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ब। ओके, तो वर्ब की फॉर्म यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करनी होती है। प्रेजेंट में अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में फर्स्ट वर्ब फॉर्म के से पहले हमें विल को यूज़ करना होगा। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट आपको सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन विद वर्ब यू हैव टू यूज़ एस और ई एस विद वर्ब फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो फर्स्ट ही है, बट आपको सिर्फ सब्जेक्ट को देख के इसमें चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पास्ट टेंस में we are using did in a sentence, in a negative sentence or affirmative sentences, then you won't change form of verb, यानी कि फिर जो first form of verb होगी हम वो ही use करेंगे, then we won't use second form of verb, okay? तो did के साथ हमेशा first form आती है। इतना clear हो गया? और will और shall के साथ भी हमेशा क्या फर्स्ट फॉर्म आती है। ये था सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस। इन सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वी आर यूजिंग इज, एम, आर विथ आई एन जी। वर्ब की फॉर्म के साथ हम यहाँ क्या यूज करते हैं? आई एन जी। ठीक है, जैसे राइट नाउ वट आई एम डूइंग, कॉन्टिन्यूस से आप थोड़ा समझें कि विच थिंग वी आर डूइंग इन अ प्रोसेस, अभी हम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, राइट नाउ आई एम रीडिंग, एंड राइट नाउ वट यू आर डूइंग, यू आर वॉचिंग। ओके, बट अगर हम यही बात पास्ट टेंस में लिखेंगे या बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यू विल यूज वॉज एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विद वर्ब की फॉर्म के साथ विथ आई एन जी, वर्ब फॉर्म विथ आई एन जी। इतना क्लियर हो गया? मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी यू हैव टू यूज आई एन जी, बट द चेंजेस विद ओनली इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यू विल यूज इज, एम, आर, in past tense you will use was, were, or in future tense you will use shall be or will be. And see here, this is the error comes. Error means when we are writing or you are speaking, sometime you are skipping this be, aap bhul jate hain, theek hai? To means if you won't use, then your sentence, agar aapne likha I will going, योर सेंटेंस विल रॉन्ग, आई विल बी गोइंग, कहते हुए ही आपको ये बात सेंटेंस गलत लगेगा कि दिस सेंटेंस इज नॉट राइट। तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आई एन जी के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ बी यूज करना होगा। ओके, सो दिस वॉज द कॉन्टिन्यूस। अभी जो एक्सरसाइज हम आगे करेंगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड और कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन वी आर यूजिंग हैज़ और हैव इन अ सेंटेंस विद थर्ड वर्ब फॉर्म। वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? अब गो की ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड। और सेकंड फॉर्म क्या थी? वेंट। ओके, सो हैज़ और हैव वी आर यूजिंग इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, had we are using in past perfect tense,
or will have or shall have we are using in future perfect tense with third form of verb. Clear? तो आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा इसीलिए समझना है कि यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट्स. सो अगेन एंड अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फर्स्ट. नाउ रेफर टू द टेंस चार्ट. आपके लिए ये इसीलिए रेफर किया गया कि ताकि आप इसे समझें. ओके, सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको यहाँ वर्ब्स कुछ मेंशन किए गए हैं तो आपको इसमें से करेक्ट वन यू हैव टू चूज और फिल इट अप हियर. यहाँ आपको लिखना है. तो फर्स्ट वन दे हैव डन ऑलरेडी. द सेकेंड वन इज रवि हैज, ध्यान से सुनिए, रवि हैज डैश टू स्कूल. इफ द वी आर यूजिंग हैज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वर्ब की फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म. रवि हैज गॉन टू स्कूल. इन द नेक्स्ट सेंटेंस लीना डैश वर्किंग ऑन द मशीन एट दिस टाइम टुमारो. लीना डैश, अब यहाँ आईएनजी है तो आपको इसमें खुद ही जज करना है कि कौन सा वर्ब यूज होगा. लीना विल बी ऑन द मशीन एट दिस टाइम टुमारो. ओके, सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू डू इट. इन द फोर्थ वन इज, इन द फोर्थ वन बाय 11 AM दे हैड. अब यहाँ देखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई? डन, हाफ द वर्क. ऐसे ही समझना आपने, जैसे आप देख रहे हैं कि कौन सा इसमें टेंस यूज किया है, फिर वर्ब आपको कैसे यूज करना है. नेक्स्ट इज दे विल डैश, और विल है यहाँ पे, तो मैंने कहा था बी यूज होगा फ्यूचर में. तो दे विल बी गोइंग फॉर एन आउटिंग टुनाइट. द नेक्स्ट वन इज शी डैश इज गोइंग and other word is goes to school daily at 7 o'clock. This one is in simple present tense. ठीक है, she goes to school daily at 7 o'clock. My mother has, फिर से ये present perfect tense है और verb की आएगी third form. My mother has, थर्ड फॉर्म क्या हुई गो की? गॉन टू द मार्केट. माय सिस्टर इज डैश इन द किचन. अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. माय सिस्टर इज वर्किंग इन द किचन. दे डैश प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे. हम कल की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? वर. They were playing in the park yesterday. The girl has dash with her doll for 2 hours. The girl has present perfect played. Third form हमको use करनी होगी. So in that way you have to solve this exercise to understand first this tense chart. Okay? So that's all for today and next worksheet 3 we will do it in the next video. Thank you.